जिंदाबाद पंचायत को लिए एकता जिंदाबाद 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 युवा संघ ने ठाना है टोल फ्री करवाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गांव के बीचों बीच टोल प्लाजा लगाया गया है, इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जोर जबरदस्ती के दम पर इस टोल प्लाजा को बीच गांव में स्थापित कर दिया, जिससे गांव दो भागों में बंट गया है। हमारी 70 दिनों से यहां धरना प्रदर्शन चला हुआ है टोल प्लाजा पे, तो हम बहुत टाइम से यह मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जो हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली है, इसको जो है टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी लाइफ बेसिक एम्यूनिटीज के जो भी ऑफिसेज हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, सब्जी मंडी, सीएचसी, जो अभी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, हमारी रोजमर्रा की जो भी जरूरतें हैं वो सारी टोल प्लाजा के 200 मीटर के रेडियस के दायरे में हैं। तो अगर किसी भी आम आदमी को अपने घर से बाहर निकल के किसी चीज को, रोजमर्रा की चीज को लेने के लिए बाहर निकलना पड़े और बाजार जाना पड़े, तो उसको टोल से होके ही गुजरना पड़ेगा। और सर, ये जब टोल प्लाजा का हम जो इसका विरोध कर रहे हैं, अब मेरा घर इस साइड है, टोल प्लाजा के इस साइड पड़ता है और खेत मेरे साइड है। अब दिन में खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे को दिन के 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और मेरा छोटा ऑटो है, 4 फोर व्हीलर है, अगर मैं इसको गोबर खाद इधर उधर ले जाना है तो मैं टोल प्लाजा सुबह उठ के खेत जाता हूँ, तो क्या मैं पहले टोल प्लाजा देके अपने खेत में जाऊँ, वापस आऊँ तो टोल प्लाजा देके मैं घर पे जाऊँ। तो हमारा इतना सरकार से निवेदन है कि जो हमारा जो स्थानीय पंचायत को जो है ये टोल फ्री किया जाए, और शीघ्र से शीघ्र इस मांग को मैं जाऊँ। 70 दिन हो गया वहां को, रात दिन बैठे हुए यहाँ, कोई भी अधिकारी प्रशासन कोई हमारा मांग नहीं कर रहा है कि हमारी पंचायत में जो है अनऑफिशियल टोल प्लाजा की स्थापना की गई है, वो है गैर कानूनी है। गैर कानून इसलिए है क्योंकि ना ही तो यहाँ की जो है स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली की NOC और ग्राम पंचायत टकोली के लोगों की सहमति ली गई है, जो कि एक अनलीगल तरीके से जो है इसकी स्थापना की गई है। हम पिछले 2 दिन पहले SDM महोदय, DC महोदय मंडी से मिले थे, हमने वहां भी स्पष्ट पत्र के माध्यम से और उनसे स्पेशल डिस्कशन की है कि महोदय इसकी छानबीन की जाए, क्यों टकोली पंचायत की परमिशन के बिना और लोगों की सहमति के बिना जो है ग्राम पंचायत टकोली में जो है इस टोल प्लाजा की स्थापना की जा रही है। तो ये इसलिए कि हमारे जो पंचायत है वो दो भागों में बंट चुकी है, इसलिए कि वो जैसे कि हमारे डिस्पेंसरी जो है वो यहीं पे है, और बिजली बोर्ड जो है वो भी इस साइड पे है, और एक साइड पे हमारे जो है स्कूल और कॉलेज है, सब्जी मंडी। तो कॉलेज आ गया, हमारे सब्जी मंडी आ गई, तो हम इस कारण ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत को जो है टोल मुक्त किया जाए। हमने यहाँ पर जबरदस्त धरना हुआ था, तो उसमें SDM जी आए थे और NHI के भी अधिकारी आए थे, बट वो हमारा जो है सवाल जवाब किए थे पब्लिक में, बट वो NHI वाले के जो भी अधिकारी यहाँ पे आए थे वो असमर्थ हो गए थे हमारा आंसर देने में। तो जनता में इतना आक्रोश हो गया था कि हम सड़क पर उतर गए थे, खासकर महिलाओं को, सर आप तो जानते हैं कि महिलाओं को कितना काम होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, घर का काम भी देखना होता है, सारी चीजें जो, तभी महिलाएं इतनी गुस्से में थी उस दिन कि हमने रोड बंद कर दिया था सर, वो भी SDM के उसमें हमने जो है 10 मिनट के लिए रोड बंद किया था। SDM ने बोला कि 10 दिन का आपको टाइम दे देते हैं, तो NHAI के बड़े अधिकारी हम साथ में लेके आते हैं, तो आप जो है रोड को खोल दो। तो सर जनता में बहुत ही आक्रोश है, अगर हमारा जो मांगे पूरी नहीं हुई तो मुझे लगता है 10 दिन बाद जो है हम जो है बहुत ही आक्रोश के साथ, हम हो सकता है पूरा दिन के लिए जो है सड़क जाम करेंगे सर।